पेज नंबर 200 निकाल लीजिए, पेज नंबर 200। ऑनलाइन सोर्स का बात है, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए सर, कर कौन कौन सा कोई इशू तो नहीं इसमें। चलो पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 1 तरह शुरू। ये बड़े क्वेश्चन है, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का करनी क्वेश्चन कंप्लीट। Deep Enterprises manufactures a product alpha which requires two separate processes. Following information has been extracted from the reports of the process B. Opening work in process किस डिपार्टमेंट में 80% कंप्लीट है इसको। चलो बढ़िया, कॉस्ट फॉर द पीरियड रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए एडिड ड्यूरिंग प्रोसेस बी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस materials are added at the beginning of the process. Normal loss is estimated at 5% of the expected units and the loss is determined at the completion of the process. Loss of each liter, ye the process, ye nahi cheez hai, process ek kriya hai, lekin isse pehle bhi jab aap joint by product ki gayi, loss of each liter result into a solid waste of 0.75 kgs. During the month of February, solid waste produced was अब ऊपर 5% एक परसेंट ही दी हुई और नीचे ऐसे एक साधन दिया हुआ, लॉस है। नंबर 3 कौन सा, सॉलिड वेस्ट इज सोल्ड For ₹170 per kg, after incurring a further cost of 20 per kg, but finally opening work in process available है, उसकी cost का वैसे breakup है, opening work in process की cost का breakup है sir, तो weighted average method use किया जाना, करें फिर एंट्रीज करनी है, एक पूरा पेज छोड़ दूं, बाकी दो छोड़ दूं तो वर्किंग सॉफ्टवेयर सर, ये टाइम सेट करें सर, गुजार तो बना लिया होगी क्लास में सर, तेजी से बात करते हैं, बस टाइम पे नहीं है, रास्ते में ट्रैफिक जाम थी। ये ब्लॉक अकाउंट बनाया, एक पेज रखें बस अकाउंट के ऊपर,
कल से बेटा प्लीज सब लोग टाइम पे आएगा, पेज नंबर ही सारा पता चल जाएगा, इस मजाक खत्म करें। बाकी सारी आवाजें आती हैं, पेज नंबर बता दो, अगर आप टाइम पे होते तो वो आवाज भी आती। शुरू करें सर, डेबिट साइड पूरी करें। शुरू करें, करते हैं वेबसाइट शुरू करें। ये डेबिट साइड ठीक है सर, जी दो प्रोसेस है ए बी। ऊपर नीचे लिख रहा है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन।
एक लाइन में उसने नहीं दिए, कॉलम तो डिफरेंट है, मटेरियल का व्यवहार है, यूनिट्स के साथ देखो, इस पीरियड में मटेरियल भी लगा, कन्वर्जन भी। देख रहे हैं यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तभी वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है, उनकी बेस डिफरेंट है, अलग अलग उसका उसकी बेस ढूंढनी पड़नी पर यूनिट के लिए। मटीरियल कब लगता है लेकिन कन्वर्जन के एंगल से ओपनिंग क्लोजिंग की 80-70% उनकी बेस डिफरेंट हो। जी सर जी, प्रोसेस बी से फिनिश वुड्स बन जाते हैं? यस, दो ही प्रोसेस है ना इसमें? यस सर। तो कितने यूनिट्स बने? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन है? सेकंड पॉइंट पढ़े, दो चीजों की इंफॉर्मेशन है। हाँ जी ठीक है, नॉर्मल लॉस भी है, नहीं रिकवरी वाले तो नंबर थ्री में है, नॉर्मल लॉस भी है और 6000 के एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस है ये, नॉर्मल लॉस है। अगर हम नॉर्मल निकाल तो एक्चुअल की बेस पे कोई नॉर्मल लॉस या गेन का पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना जरा एक लीटर से केजीज की स्टोरी है, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बाकी सारा डाटा लीटर्स में है। लीटर्स को केजीज को लीटर्स में या लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, करना पड़ता तो गौर से देखते रहिएगा, प्लीज पता है चीज आप नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कैलकुलेट करें, 5% ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट्स, बस एक मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब तो हिम्मत करें, वही चीज है जो रोज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड यूनिट्स से कर रहे हैं नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी पर। जी वही 5.25, अगर 5.125 निकाल लिया तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी निकाल। फिनिश वुड्स अवेलेबल नहीं है, फिनिश वुड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये दो फिगर्स निकल आएंगे, अब नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल गेन है, सोचना। ये फिर मतलब दरम्यान में जब तुम किसकी चला दो 24 पे चला, इनपुट क्वांटिटी क्या है? 90,000 है या 12,000? क्वेश्चन साइलेंट। ये मटेरियल 100% ठीक है सर, कन्वर्जन 70% है, स्टेज पे इंस्पेक्शन बता, लॉस कब डिटरमिन डिटरमिन होता है? एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस,
मटेरियल वैसे स्टार्ट में लग रहा है, और अगर एंड ऑफ द प्रोसेस है तो कन्वर्जन कॉस्ट का एंगल सर करने फाइनल सर ओपनिंग लेंगे इसको प्लस 102 में से 9500 क्यों लेस करेंगे 10,000 यूनिट्स इस पीरियड में टेस्ट हुआ तो टेस्टिंग स्टेज से पीछे थे भी और क्लोजिंग अभी टेस्ट नहीं हुआ ठीक है तो मल्टीप्लाइड बाय 5% 5125 बट हमने इसमें क्लियर आप लोग तो क्लियर होंगे होपफुली अभी चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार पहले क्वांटिटी पूरी कर लेते पॉइंट नंबर टू पर बस एक ही वो पॉइंट है वो फाइनेंस होना था कुछ बाकी करते रहिए अब एक्चुअल लॉस कितना है सर फिनिश गुड्स तो नहीं दी लेकिन 6,000 लॉस का जिक्र है लेकिन 6,000 केजीज लिखा है ये सारा जो हमारा जो डेटा है लीटर्स में तो केजीज को लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है वैसे एक सेकंड के लिए अगर वैसे सोचें अगर ये लाइन ना हो ये वाली जो लॉस ऑफ ईच लीटर 0.75 ना हो सिंपली केजीज और लीटर्स यूनिट्स के एंगल से हम इकट्ठे लिख सकते हैं कुछ याद है किसी क्वेश्चन में एक मिनट क्वेश्चन नंबर टू ढूंढने बहुत पुराना क्वेश्चन नंबर टू यूनिट में वो केजीज में भी हो सकते हैं लीटर्स में भी हो सकते हैं पाउंड्स में भी हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन में आते पाउंड्स बहुत पहले वाला क्वेश्चन नंबर टू बचपन वाला क्वेश्चन देख लें क्वेश्चन में सर्टिफिकेशन अभी स्टार्ट किया था हमने नहीं क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन में जो एलबीएस पाउंड ही थे क्वेश्चन नंबर टू में मेरा ख्याल है पेज 36 के एंड पे अगर आप देखें तो आउटपुट आउटपुट जो ऊपर दो भी हुई केजीज में और नीचे फिर थर्ड लाइन में 9500 यूनिट्स वर्ड हो गए मतलब सिंपली भी अज्यूम यूनिट्स केजीज लीटर्स ये सब एक ही चीज है हम जा रहे हैं मतलब डेफिनेटली हमें नहीं पता कि एक लीटर से कितने केजीज बनते हैं भी अज्यूम के एक लीटर से एक केजी बनता होगा एंड वाइस वर्सा अगर कभी जरूरत पड़े लेकिन अब यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है सेकेंड लाइन पढ़े ओके काम भी कीजिएगा पेज नंबर 184 निकाल सकते पेज 184 जॉइंट बाय प्रोडक्ट के जब एंड में हम पहुंचे होंगे कहीं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा इसमें भी पॉइंट नंबर 4 अगर आप पढ़ें तो उसमें भी कुछ इससे ना कि ब्लाइंड थी लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट इनटू सॉलिड बेस ऑफ 0.7 केजीस तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं ये वाला टीम ने बोला जो भी कर रहा है तो पहले इसको भी जरा एक दफा जाके चर्चा करके बाइस के रह सकता तो यहाँ भी मेरा ख्याल है लीटर्स थे पर लीटर्स में क्वांटिटी है फिर वो केजीज में शायद कन्वर्ट की थी केजी से लीटर्स में ठीक है देख लेंगे एकदम आए वापस तो अब 6,000 केजीज हैं अच्छा ये क्लियर है ये क्या चीज है ये पहले बता दें एक और बात ये 6,000 है क्या नहीं 6,000 केजी के कौन सा लॉस पहले तो इसको ये इसके साथ लिखना था एक तो लॉस ये गिवन है अब क्योंकि परसेंटेज अवेलेबल है तो देर पर हम उससे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ज्यादा हो गया या कम हो गया अब आए सेकंड लाइन 6,000 केजी अगर लॉस हुआ तो इसे लीटर्स में कन्वर्ट क्यों करना है हमने पहले ये भी सोच लें हमारा जो सारा डाटा है यूनिट्स का वो लीटर्स में कैलकुलेटर है पता तो आपको नहीं है
वही मार्कअप मार्जिन की स्टोरी चल सकती है, जो 6000 केजीज है और ऊपर सेकंड लाइन अगर पड़ी जाए इसी पॉइंट में, पॉइंट नंबर टू की सेकंड लाइन, क्या चीज मतलब प्रोपोर्शन कैसे बना हुआ, 1 लीटर इज इक्वल टू, तो ये 6000 केजीज है तो डिवाइड बाय क्या करो 0.75 केजीज और मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर्स निकाल दो, सही, डिवाइड बाय 1 क्यों नहीं कर रहा, केजी से लीटर्स, तो केजी 0.75 उस प्रोपोर्शन के मुताबिक, ठीक है, तो कितने लीटर्स बन जाएंगे 8000, ये वर्किंग क्लियर है प्लीज। और अब बैलेंसिंग फिगर कैसे निकल सकती है, व्हाट इज द नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड इन लीटर्स 5125, सो व्हाट शुड बी द नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इन लीटर्स, क्या चीज है ये, वाई नॉर्मल लॉस, क्या एक्चुअल लॉस इन लीटर्स इज मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस इन लीटर्स, करेंगे बैलेंस फाइनल, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस की यूनिट केजीस में ही है, लीटर इस वक्त आप लीटर में या केजीस में, तो लीटर सारे लीटर है, सर अभी तो मैंने कहा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्यों कर रहे हैं हम बाकी सारा छोड़ दें उसको, क्यों कर रहे हैं सारा लीटर्स में, करीब एक फिगर, सर ये एक फिगर अगर केजीज में है तो बाकी सारों के मुताबिक उसे लीटर्स में करें या बाकी उनको भी केजी में करें, सर आगे जाओ, फिनिश गुड्स की बैलेंसिंग फिगर बताइए, ये मिस्टर लोग बच्चों ने थोड़ा आहिस्ता बोला, जरा अपनी वर्किंग कर रहे हैं तो जरा इसी से बच्चों ने कहा आपको सुना ना, बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लीज, 0.7 ईच लीटर, 1 लीटर इंटू 0.75 केजीज इंटू 1 मींस लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 6000 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 1 लीटर इंटू 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हर लीटर में अगर 0.75 केजीज है तो कैंडी प्लीज 6000 केजीज में 8000 लीटर्स होंगे, जी सर बैलेंसिंग पे क्या आती है, क्या अभी 9450, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपके सामने हैं, कभी इनपुट नहीं गिवन होती, कभी आउटपुट नहीं है, कभी लॉसेस नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट एनी बैलेंसिंग पे, चेक फोटो बता दो, वन फाइल हो जाएगा, अब आइए जरा नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू, अभी कुछ चीजें हैं जहन में, सीक्वेंस है, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू में भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, कोशिश करके देखें जरा, लगाएं एक मिनट जरा, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, What is the recovery value of normal loss? Okay, loss कहना चाहिए शायद। What is the recovery value? 170 लेकिन per kg है। वैसे परेशान नहीं होएगा, दोबारा एक वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या 5125 kg है लीटर है? तो क्या लीटर्स को फिर kg में कन्वर्ट किया जा सकता है? लेकिन एक चीज और है यार, 170 मिल तो सकता है, लेकिन आफ्टर इंक्रीजिंग अ कॉस्ट ऑफ 20 क्या करें? ऐड कर, इफ नेट रिकवरी वैल्यू हो जाएगा 170 मिलेगा, लेकिन कितना खर्चा करके, तो मेरे ख्याल वर्किंग देखी नहीं है, एक अलग से कहीं वर्किंग देखें, रिकवरी वैल्यू और
उसी तरह से होगा अगर थोड़ा सा बचपन में ये जहन में ला सकें डिस्पोजल अकाउंट, अगर डिस्पोजल पे पैसे मिल रहे हो तो क्या एंट्री करते हैं तो इम्पेयरमेंट के समझते हैं कैश या फिर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन अगर कोई डिस्पोजल पे खर्चा भी आना हो तो नेट करके फिर एंट्री होती थी, डिस्पोजल प्रोसीड्स भी हैं और डिस्पोजल कॉस्ट भी है, तो ये भी उसी तरह है वन बट इज 170 डिस्पोजल प्रोसीड है रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस, लेकिन आफ्टर इंक्रीज हाउ मच तो 150 नेट हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं, 5125 के ये लीटर्स में इसको बनवाएंगे केजीज में, अब केजीज में क्यों बनाना जरूरी है क्योंकि रिकवरी वैल्यू केजीज में दी हुई है, बनवाएंगे कैसे बनाओ डिवाइड बाय 0.75 ये लीटर्स है, वही फिर तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है, लीटर्स में से केजी में जाना है तो डिवाइड बाय 1 अब करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन करेंगे तो वैसे ही होगा मल्टीप्लाइड बाय, उधर क्यों डिवाइड बाय 0.75 किया मैंने, केजी से लीटर्स में आना है, अब लीटर से केजी में जाए इज इक्वल टू 4844 या सीधा इस तरह करें जो भी आ रहा है, जो भी आएगा क्या आएगा ये नहीं जो भी आएगा ये आएगा नॉर्मल लॉस केजीज में आके इनटू 150 करता फाइनल आंसर भी तो बता दो और 150 के साथ लिखा दो नहीं 150 का ब्रेकअप लिखा 170 माइनस 40 राउंड ऑफ करना पड़ेगा भी अप्रोक्सीमेटली 577 थाउजेंड्स में कन्वर्ट करें मैडम प्लीज, रुपीज को थाउजेंड्स में बनाए, थाउजेंड्स को रुपीज में अगर जरूरत पड़ती है ये ठीक है जी, वर्किंग ठीक है सर। एक सजेशन आई है वो भी पॉसिबल है शायद कि अगर हम रिकवरी वैल्यू को पर लीटर बना लें, बनाएं जरा 150 क्या है 150 पर केजी है, बताएं पर लीटर कितना होगा, करें करें हिम्मत करें जरा सोचें जरा, वही सारा मार्कअप मार्जिन टाइप कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कैसे 150 के रिकवरी वैल्यू पर केजी डिवाइड बाय 0.75 क्यों पर केजी से पर लीटर, किया जा सकता है कुछ लेकिन डेफिनेटली मेरा नहीं कर उसकी खास जरूरत है, ये समझ आता है जो मैंने किया तो लिखे नहीं 1557 सर, इसका मतलब हम कर सही नहीं था रहे, अब यहाँ तक मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ, नहीं 200 हो ही नहीं सकता था आपने जो बताया मैं खुद बताता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा इसे छोड़ो पहले मैं खुद बताता हूँ, पहले 577 ये लिखूंगा, आप प्रिंसिपली पहले ये देखें सेकंड लाइन पढ़ के मुझे ये बताएं पॉइंट नंबर 2 का सेकंड सेंटेंस, केजीज में क्वांटिटी कम होगी या लीटर्स में, ये भी पहले फैसला ये कर लीजिए, लीटर ज्यादा होंगे या केजी ज्यादा होंगे, एक लीटर ने 0.75 केजीज में कन्वर्ट होगा, पहले तो ये फैसला कर लीजिए, पहले ये 577 तक आ जाओ मैं अदरवाइज भी करा देता हूँ, यहां तक नोट करें यहां तक वर्किंग हुई वो कर लेता हूं, यहां तक जो वर्किंग है ठीक है, आप अदरवाइज कंप्लीट करें कर लेते हैं बात, पहले इधर मेन टाइप इस पे लगाना था ये एंट्रीज में टाइम लगा, अब क्या रह गया इसमें सर हुक्म कीजिएगा क्या आ रहा है सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा क्या क्या यही आ रहा है सर
यही आ रहा है तो इसे थाउजेंड्स में अगर करेंगे तो ये फाइव डबल सेवन जी सर जी इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए पर यूनिट निकालें कॉस्ट एलोकेशन करें आप लोगों का आंसर इसलिए सेम नहीं आ रहा क्योंकि माय डियर आपका ध्यान ही नहीं है माय डियर मैं क्या करूं ये बेटा फिगर्स को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है डाटा थाउजेंड्स में है फिर इसी तरह हमने करना है तो मेरे ख्याल रहने देते हैं ये फिगर आपकी कैलकुलेटर पे आ रही है ये रुपीज में आई है हमने थाउजेंड्स में पसंद करना है प्लीज ये पहला दिन नहीं आज बस कर दें यार पहले एक लंबी लिस्ट बनती है 15 मिनट 20 मिनट पहले पेज नंबर बता दें पेज नंबर बता दें पेज नंबर बता दें फिर एक नई गेम शुरू होती है ये भी होता है वो भी होता है लेकिन ये नहीं होता मिस्टर हमजान नेक्स्ट हेडिंग ही लिख रहे हैं ये अपने मेरे फाइनल फिगर सब बतानी है कॉस्ट सेलिब्रेशन जल्दी हो रहे फिर एंट्रीज भी करनी है कैलकुलेटर सर एक दिन आगे वाला भी इसको नहीं आगे मैंने सुना था जो आज रात नहीं तो अगले दो तीन दिन में करनी पिछला कवर करने की कोशिश की अगर याद नहीं है तो रात नहीं महसूस हो रहा आपको नहीं महसूस हो रहा फिर भी कहने बैठे
जी फाइव सनी बस करें सर, सर नई क्लास शुरू की, इतने दिन बाद आके आपने अपनी क्लास शुरू कर दी। जी सर आप तो अच्छे पेंडिंग दो सारे कर रहे, अभी 5 मिनट तक करवा रहे, इसी बहाने जरा साइड पर रहे। यूनिट अगर आ गए तो अपना कंप्लीट करते जाए, गलती मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। किस मेथड से वर्किंग हो रही है? ब्रेकर पे तो नहीं है, फिनिश कोर्स पे। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने कितने आएंगे? पूरे पूरे क्यों आएंगे? नहीं बाकी कन्वर्जन में भी पूरे क्यों आते हैं? इंस्पेक्शन स्टेज भी है ना, फिर 5-0 इधर मान अगला बंद करता है, मैंने कहा था टेम्परेचर नहीं करता, 21 पे चला गया। ये देखा कि उसको ज्यादा दरमियान में ठंडा भी, तो ये बंद करता है। पर यूनिट बनेगा 0.14। अब 0.06 भी ठीक है, और अगर 5-8 लिखा तो वो भी काट के ना लिखेगा, और चंद फिगर्स का डिफरेंस होगा। लास्ट वन ठीक है 0.06, या क्या लिखा है, मेजोरिटी ने क्या लिखा? 5-7 तो मेरा ख्याल नहीं है, 5-7-8 है। 6 भी ठीक है, वो भी ठीक है, अब काटिएगा नहीं, फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको प्लीज इग्नोर कीजिए। 0.06 अगर लिखूं तो टोटल बता देगा जी, 0.27। ninety four thousand five hundred into 0.27 2 5
2875 into 0.27776. Ninety-five hundred into point one four plus ninety-five hundred into point zero seven plus double six five zero into point zero six. ये ठीक है फ्रेंड्स, जिनका ये 0.058 होगा या 57 अगर लिखा हुआ तो टोटल भी आपको डिफरेंट होगा 0.268 शायद, उसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे होंगे। ठीक है मिस्टर फ्रेंड्स, नहीं 0.27 के बेस पर तो ठीक है। सर जी बता देंगे तो मैं लिखूंगा सर, मैं तो कैलकुलेटर खुद ही पकड़ लिया, मैंने तो आखिरकार कैलकुलेटर खुद ही पकड़ लिया कि भाई जान आप फ्री नहीं है। प्लेस करें जी प्लेस, रेट जब भी आपका राउंड ऑफ होगा लेकिन 130-140 सब थाउजेंड्स में डिफरेंस है, बड़ा ज्यादा नहीं है। फिर अगर बड़ा ज्यादा है तो फिर इस तरह 25 लाख है पहली फिगर, अगली फिगर है 14 मिलियन, उससे अगली फिगर है 7 मिलियन, 5.6 मिलियन, अब है वो 1 लाख समथिंग, तो 1 लाख समथिंग मिलियंस में से, तो रेट जब भी राउंड ऑफ होगा इन सिग्निफिकेंट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सवाल आएगा। ये 2515 2515 नॉर्मल लॉस 776 एंड फाइनल 2394 डबल एंट्री शुरू करें। देखिए अभी कुछ अगर चैप्टर में वापस आए जहाँ कल क्वेश्चंस कर रहा था एंड में जो चार क्वेश्चंस है उसमें जरा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट समटाइम्स क्वेश्चन नंबर वन की रिक्वायरमेंट पड़ी है, ये रिक्वायरमेंट जरा देखिएगा, कई नंबर बताएंगे जरा जो आखिर में सवाल था 63 क्वेश्चन नंबर वन इसमें जो था पेज नंबर 63 पे उसकी रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ था प्रिपेयर जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस, इससे क्या मतलब था जो पॉसिबल ट्रांजैक्शंस हैं इस स्टोरी में वो सारी तो लेजर के अंदर भी और फिर नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस की जो पॉसिबल एंट्रीज है इवन बल्कि यहाँ पे कहीं नहीं वो केस में आया था अगर अंडर ओवर अप्लाइड की स्टोरी आ जाए पीछे तो वो भी एंट्रीज होंगी जिस तरह याद है बिल्कुल इससे ये कल अपने क्वेश्चन नंबर टू जो घर में की है बस ठीक है लेकिन क्वेश्चन नंबर टू जो घर में किया आपने इसकी बी रिक्वायरमेंट पड़े
अब उसमें से स्पेसिफाई किया हुआ कि एंट्रीज कौन सी करनी है, तो अंडर ओवर अप्लाइडली करनी है और प्रोडक्शन गेन लॉसेस की बस करनी है, तो फिर डेफिनेटली आपने बाकी नहीं करनी, वो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वाली नहीं है, फिनिश गुड्स की भी बननी है। देन क्वेश्चन नंबर 2A जो था उसमें भी लास्ट में लिखा हुआ था सी रिक्वायरमेंट पेज नंबर 64 के अंदर, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड द गेन लॉस, तो फिर डेफिनेटली आप फिर रिस्ट्रिक्ट रहेंगे लॉसेस पे और गेंस पे, अदर एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड। अब इसको अगर सेम रख के फाइनली पढ़ी जाए ये वाली रिक्वायरमेंट जो भी हम कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, तो इसमें फिर कौन सी एंट्रीज करेंगे जो पॉसिबल है स्टोरी में, वो सारी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो सारी एंट्रीज में से मेजोरिटी एंट्रीज कहाँ नजर आ रही है आपको, ये लेजर के अंदर है, शुरू करें बाकी फिर जो और हो सकती है वो सोचते हैं। डेबिट साइड देखें एंट्री शुरू करें, प्रोसेस बी डेबिट, अब कंपाउंड कर सकते हैं वैसे क्या क्या हो जाएगा कंपाउंड, प्रोसेस ए क्रेडिट 14,000, मटेरियल क्रेडिट 7,000, अब ऑब्वियसली अगर ब्रेकअप मिल जाए लेबर ओवरहेड्स का तो ज्यादा बेहतर है, ना मिले तो कन्वर्जन क्रेडिट 5,600, सम कितने 26,600, क्रेडिट साइड का आ जाएगा, फिनिश गुड्स डेबिट 25,000 515, प्रोसेस बी क्रेडिट 25,000, ये भी वैसे कंपाउंड सोची जा सकती है, फिनिश गुड्स की नॉर्मल लॉस की नॉर्मल नॉर्मल लॉस डेबिट 7,76, प्रोसेस बी क्रेडिट 7,76, और कैरी डाउन डेफिनेटली पिछले पीरियड से ब्रॉट डाउन आ रहा है, कैरी डाउन नेक्स्ट पीरियड में जाना, ठीक है, उसकी तो नहीं एंट्री लिखे, ट्रांजेक्शन की एंट्रीज हो गई, अब आगे चले आपका क्या ख्याल है कोई और एंट्री, अब लॉसेस एंड जेहन में रखें, पहले नॉर्मल लॉस फाइनल करना अपने जेहन में बनाया जरा, नॉर्मल लॉस का लेजर, ये लेजर बैलेंस हो जाएगा, ये कब नहीं होता तो क्या एंट्री हो जाएगी, तो ये 577 नेट कैश मिलेगा, ये 577 की वर्किंग दोबारा देखेंगे, ये रिकवरी वैल्यू से ही और नेट रिकवरी वैल्यू कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट, नॉर्मल लॉस का लेजर हमेशा बैलेंस हो जाएगा अनलेस किसी सवाल में एक नॉर्मल गेन आ जाए, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 में भी कल आया होगा। देन आए एक आखिरी चीज जिसमें फिर शायद एक प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल लॉस एक लेजर बनाया था एंट्री के लिए, जरा स्पेस छोड़ना एक दो तीन लाइन, जिन नजरात की कुछ पिछली छुट्टियां हो गई हैं कुछ कवर्ड नहीं है तो काइंडली प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा, मैक्सिमम एक दो दिन और हो सकते हैं हमारे पास, एक नई डिस्कशन अब स्टार्ट हो जानी जिसमें फिर आपको दोबारा थोड़ा सा चलना पड़ेगा, प्लीज इन दिनों का वेस्ट नहीं कीजिएगा,
यूटिलाइज द टाइम, आगे जाकर साथ साथ चल सके आप लोग। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस डी क्रेडिट, क्वांटिटी कितनी लिखो 2875। ठीक है जी, जी करते हैं मतलब यहाँ से कटे। अब ये डेबिट साइड पे है क्या 5 सॉरी 7 6, ये नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है, इससे रिकवरी वैल्यू है नॉर्मल लॉस ने नेट ऑन। इसमें फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम आना, ये 2875 क्या है, लीटर्स है, कंसंट्रेशन। थर्ड लाइन दोबारा पढ़ा, एक लीटर कितने का बिकना है, नहीं एक लीटर नहीं बिकना, वो मैं वर्किंग बाद में कराऊंगा, जब मैं अभी तो पहले बात कर रहा था कि वैसे भी हो सकता है, वो भी बाद में कर लेता है, हम जो मिस्टेक करें मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। पहले आप जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ के दोबारा बताए कि हमें केजीज में रिकवरी वाली दी हुई है, लीटर्स में केजीज में दी हुई है, और ये 2875 के है, ये लीटर्स है। तो पहले तो कह मसला दोबारा हल कर, कैलकुलेटर उठाए 2875 क्या है, इसको दोबारा जरा केजीज में कन्वर्ट करें, प्लीज कीजिएगा यार, प्लीज जरूर कीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाय 0.75 क्या देगा इससे, केजीज इनटू क्या है, अब इसमें 150 कर सकता हूँ या 170 करो। अच्छा इसमें दूसरा तरीका भी सुना, डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि हम यहाँ जो कैश है वो 170 के हिसाब से लिख लें और 20 को कॉस्ट के एंगल से लिख लें, नहीं मतलब ये इसी तरह ही होना चाहिए कि और खर्चा होना है। जरा सेंटेंस पढ़िए जरा, पॉइंट नंबर 3 जो है, तो 20 पर लीटर पर केजी और खर्चा करके 170 मिलेगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो खर्चा होना है हम उसको फर्दर डेबिट करें इस खर्चे में। व्हाट इज 766, ये कॉस्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग में से, इसकी कॉस्ट ये निकली है प्रोसेस अकाउंट में से, क्या इस पे 20 पर केजी फर्दर खर्चा भी होगा और फिर 170 मिल रहा है, तो हम डेबिट भी कर सकते हैं वो एक्सपेंस और फिर 170 क्रेडिट भी कर सकते हैं, लेकिन शायद जैसे हमने पहले किए क्या वैसे कर सकते हैं, कर ले वैसे कर, लेकिन इसकी वर्किंग लिस्ट नहीं करनी। Approximately answer is 23. Yes, sir. चले फाइनल, बाकी अपनी एंट्री लिख सकते हैं, इसकी एंट्री बोलने सोचो, कैश डेबिट एंड नॉर्मल लॉस क्रेडिट, ठीक है। फाइनली नेट आंसर निकालो, नेट एक्सपेंस पर प्रॉफिट लॉस में रहेगा 453। चलिए अब इसको देख के फिर एंट्री बना लें, क्या एंट्री रहेगी फाइनली, कैश डेबिट 323, नॉर्मल लॉस क्रेडिट 23, और प्रॉफिट लॉस वाली बनानी है तो वो वैसे ऑप्शनली होती है, इतनी कंपलसरी नहीं, प्रॉफिट लॉस डेबिट और नॉर्मल लॉस क्रेडिट ट्रांसफर एंट्री कर करना चाहिए।
नहीं ऐसा, जब ये क्लोजिंग नहीं ना यार, ये क्लोजिंग नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन तो नहीं बनना, ये उस से क्लोजिंग नहीं, ये क्लोजिंग फॉर द पीरियड खत्म हो जाएगा, ये वो अब एक्सपेंसेस का ले जाएगा, ये एबनॉर्मल लॉस जो है फॉर द पीरियड कैलकुलेट होगा, इस एबनॉर्मल लॉस के सीधे नेक्स्ट ईयर बीडी असेस करना, तो ये क्लोजिंग ठीक है अगर आप एंट्री नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये उस तरह से क्लोजिंग भी नहीं है, ये अब फाइनली वो लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल जाकर रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर जब आप एबनॉर्मल लॉस का लेजर बनाएंगे तो वो जीरो से बनाएंगे विदाउट एनी ब्रॉट डाउन, तो पिछले साल का एक्सपेंस खत्म हो गया। ठीक है जी, फाइनल क्लियर है? यही नई चीज थी। अब आज जो बात हो रही थी उसको खत्म करना, ये जो जहाँ रिकवरी वाली नॉर्मल लॉस की बात हो रही थी, वो जो आपने 200 रुपया बना दिया था वो तो सही कर रहा, एक नजर पहले पढ़ने किया क्या था ये रिकवरी वाली, मैंने कैसे किया था और अल्टरनेटिवली कैसे हो सकता है, अल्टरनेटिवली मैं बताता हूँ पहले, आप ये सोच लें क्या किया, एक सेंटेंस बोले किसको किस में कन्वर्ट करके क्या किया, तो लीटर्स हमने केजीज में कन्वर्ट किया और फिर पर केजी रेट लगा, अब ये जो 150 है ना ये रिफाइन ही है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, नहीं नहीं वो तो ठीक है, नेट रिकवरी हो गया आगे पर केजी, अभी पर 1 केजी समझ, पर केजी अगर हम लिख रहे होते हैं तो ये पर केजी मींस पर 1 केजी नहीं, 150 रुपया किसका मिलेगा, 1 केजी का, तो आप जरा जाए दोबारा पॉइंट नंबर 2 की सेकंड लाइन में, 1 लीटर किसके बराबर है, तो 200 रुपए कैसे मिल सकता है 1 लीटर का, अब ये पहले ये लॉजिकली सोच लें, बाकी तो वर्किंग कैसे करनी चाहिए वो मैं बताता हूँ, अगर 1 केजी का 150 रुपए मिलता है, अगर 1 केजी का वन पहले ये क्लियर करना, 1 केजी का 150 रुपीज मिल रहा है, ये प्लीज क्लियर, 150 पर केजी, तो पर हाउ मच केजी, पर ये क्लियर है वन, ये नहीं सर, ये क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूंगी 1000 रुपए मिलते हैं 10 केजी, नहीं मतलब मैंने ये क्या किया 1000 के बस में 10 केजी, तो आप एक आंसर आएगा हमारे पास 100, इसको क्या लिखेंगे हम, तो पर क्या, पर 10 केजी, तो जब हम सिर्फ बोल रहे हैं पर लीटर पर केजी पर यूनिट, दैट मींस वन बात हो रही है, वन, अब वो वन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो 100 शायद होता है, तो ये पहले तो ये फैसला कर लें, तो ये पर कितने केजी, पर 1 केजी, अब दोबारा पढ़े वो सेकंड लाइन पॉइंट नंबर 2 नहीं नहीं वो बात की बहस, 1 लीटर ने कितने केजी से इक्वल होना है, 1 लीटर के 0.75 केजीस बन, तो अब यहां से जरा ये देखें पहले लॉजिकली देख लें, नहीं वो तो कर लेते हैं, मिस्टेक बस यही थी कि हम डिवाइड सही नहीं कर रहे, लॉजिकली ये देख लें कि अगर 150 रुपये 1 केजी का मिलता है और 1 लीटर से 0.75 केजी बन रहे हैं, तो इन अदरवाइज मैं कह सकता हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 0.75 केजीस इन दैट स्टोरी, तो 1 लीटर के कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे नहीं यार, 0.75 केजीज है और 1 लीटर है, 75% बनता है, अगर परसेंटेज देखना चाहते क्या चीज किसका 75% है, लीटर केजी का 75% है, सही है मेरा सेंटेंस, तो ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, तो अब सिर्फ मैं आप जब डिवाइड कर रहे थे तो आपने डिवाइड बाय 0.75 किए, 0.75 किया कि आपने, ये 0.75 केजी के पैसे नहीं है, ये 1 केजी के पैसे, तो 150 लिखा है कैलकुलेटर, डिवाइड बाय 0.75 क्यों नहीं, ये 0.75 केजी के पैसे नहीं, ये 1 केजी के पैसे, तो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए 1 और मल्टीप्लाइड बाय, तो अब ये जो भी है ये क्या है, नहीं वो बाद में जाएगी उसके, ये 0.75 केजी के पैसे हैं, इन अदर वर्ड्स ये 0.75 केजी के पैसे, अब 1 लीटर के पैसे, ये आए क्या है पहले 0.75 से मल्टीप्लाई करके आया क्या है,
नहीं सर अभी नहीं, लेटर तक गणना लगाई 150 डिवाइड बाय 1 इनटू किया हमने 0.75 केजी, तो एक सेकंड ये आंसर है 1.2.5। इनिशियली क्या है अगर 150 रुपया एक केजी के पैसे है तो 112.5 रुपीस 0.75 केजी के पैसे, तो 0.75 केजी के पैसे अब एक लीटर के बराबर, तो आहिस्ता आहिस्ता करने जा रहा है। What is 150? एक केजी के। What is 112.5? 0.75 केजी के इनिशियली पैसे, और अब ये जो पैसे हैं 0.75 केजी, ये फिर अब एक लीटर के बराबर है अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन। अब लीटर्स ढूंढने हैं कितने, इसके नॉर्मल लॉस के लीटर्स कितने, तो अब जरा मल्टीप्लाई करें 5125 से, नहीं अब समझ आ गई कि मिस्टेक हम क्या कर रहे थे, कि वो 0.75 केजी के पैसे नहीं है, 150 रुपया 0.57 केजी का नहीं है, ये 1 केजी का है। तो पहले से किस में कन्वर्ट करें, 0.75 केजी के पैसे बनाए ताकि वो 1 लीटर के बन सके, लिख लें अभी वर्किंग, अगर स्पेस बनाने पर भी बात कर रहे हैं, अभी फर्दर को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ गए बात। जी सर हुक्म कीजिएगा सर, सर 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 उसको तो नेट कर लिया ना हमने, 170 मिलना है और 20 इंकर होना है, उसको लदर लदर कर लेते हैं अगर आप कहते हैं। 150 भी 170 भी पर केजी है और 20 भी पर केजी, लेकिन 170 पर केजी मिलना है और 20 पर केजी इंकर होना है, तो नेट रिकवरी वैल्यू निकाल दिया। सर जी पर केजी का पहले फैसला करना, पर केजी का मीनिंग क्या होता है, पर हाउ मेनी केजी, पर 1 केजी। तो अब ये पर का मीनिंग भी मैथमेटिकली में क्या होता है, ये डिवाइड है नहीं होता, पर मैथमेटिकली डिवाइडेड के लिए होता है, डिवाइडेड बाय इसके लिए, डिवाइडेड बाय के तो 1 नहीं होता, 1000 लिखा मैंने, सपोज 1000 रुपीस, ये 10 केजी के पैसे हैं, तो अब मैंने 1 केजी के बनाने, तो मैं क्या करूं, एक डिवाइडेड बाय करूं ना पहले, डिवाइडेड बाय 10, एक आंसर आया मेरे पास 100 को कैसे बोलूं, 100 पर, अगर ये लीटर्स हैं तो पर लीटर बोलूंगा, अगर 10 लीटर्स हैं 10 केजी हैं जो भी इसकी यूनिट्स हैं जो भी है, पर यूनिट पर लीटर, ठीक है, जो मैं पर यूनिट पर लीटर पर केजी बोल रहा हूं तो ये है कितनी क्वांटिटी, पर 1 क्वांटिटी, जो भी डिनोमिनेशन उस क्वांटिटी की है लीटर्स में या केजीज में, पहले तो ये देखना ना, अगर ये 10 केजीज के 1000 रुपए हैं तो 1 केजी का, लेकिन हम लिखते हुए शायद सिंपली इसका लिख देते हैं 100 पर केजी, लेकिन पर हाउ मेनी केजीज, पर करके जब लिखते हैं तो पर 1 केजी, तो ये 150 रुपए 1 केजी का, तो ये 150 रुपीज 1 के इक्वल, 1 केजी के बराबर है, और वी आर सपोज टू फाइंड आउट 0.75 केजी के पैसे फिर कितने, ठीक है, तो इसकी बेस 1 है, 150 पर केजी होने की, पर 1 केजी, ये तो नहीं लिखा 150 रुपीज पर 0.75 केजी, अगर इससे डिफाइन हो रहा था फॉर एग्जांपल, वो कहता है 150 रुपीज जो है ये 0.75 केजी के मिलते हैं, तो फिर मैं क्या करता, 150 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 1 करके फिर फाइंड आउट कर लेता कि 1 केजी के कितने मिलते होंगे, लेकिन अगर वो सिंपली कह रहा पर केजी, व्हाट डज दैट मींस, कि 1 केजी की कितनी डिनोमिनेशन है पर 1 केजी, ठीक है, ये फाइनल आंसर प्लीज, आंसर आ गया था, क्या आंसर आया था, एनी अदर कंफ्यूजन इन द स्टोरी। चलिए सर ये इसका कोई का कॉम्प्रिहेंसिव सा टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे प्लान में मेरा ख्याल इस तरह से है कि कल FA1 का मैंने टेस्ट रखना, तो आ जाए ना,
मैं 3-4 क्वेश्चंस बताता हूँ, तो फिर सैटरडे को रखते हैं टेस्ट, एक अध्ययन जरा ले लें। तो कैंडिडेट मैंने मेरे ख्याल कल भी 2-3 बताया था, तो दोबारा एक दफा रिवीजन कर लीजिएगा सही का, तो पीछे वापस जाए चैप्टर में। जिन लोगों के लेक्चर्स रहते हैं ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है, क्योंकि चीज रहती है और आप आगे कर रहे हैं, वो तो फिर ऐसे ही होगा जैसे इधर देखा उधर देखा। तो कैंडिडेट प्लीज जिन्होंने किया हुआ है वो रिवाइज कर लें, जिनके कुछ रहता है प्लीज कवर कर लें, तो रिवाइज कर लें। फास्ट सॉल्व में कौन कौन सा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कैंडिडेट जरा नोट कर लें। जी सर, जी डेफिनेटली कल भी छुट्टी है, आज भी छुट्टी थी, मैं ऐसे ही आ गया। जी जी, वो मतलब उसके बाद भी छुट्टी है रिलैक्स करने के लिए, और अगला एक हफ्ता तो फिर डेफिनेटली ऑफ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे, अगर सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फिर हफ्ता का रहने देंगे, सोच लेंगे आराम से। फिर उसके बाद 10-15 वैसे ही छोड़ देंगे, तो मेरा ख्याल है मेरी मुलाकात ना ही हो बेहतर। तो मैं बस जाते जाते 2-3 सवाल बता दूँ, तो अल्लाह फिर कह देते हैं, फिर नसीब हुआ तो मुलाकात हो जाए। फाउल लिमिटेड, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन में नाम बोलो। फाउल लिमिटेड लिखें, केएस लिमिटेड ढूंढिएगा क्वेश्चन नंबर 9 केएस। अब कोशिश करिएगा, मैं एक दिन बीच में दे रहा हूँ, इनमें से 1-2 क्वेश्चन अगर रेंडमली खुद से दोबारा री अटेम्प्ट हो सके, सारे तो नहीं मैं कर रहा, ठीक है पहले देख लीजिएगा कोई एक आध सवाल फाइनली अगर री अटेम्प्ट कर सके, देन उसके बाद जो कल क्वेश्चन हमने किया पेज नंबर था उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो था 64 पे, बीटा नाम था इसका, नहीं नहीं कल तो क्लास में किए, कल क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, बीटा एंटरप्राइजेज। और एक और रख लें जो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया आप लोगों, एक राबी रख लें, 3-4 एक क्वेश्चन कर लें रिवाइज, आपके भी साथ साथ और बेहतर है, ठीक है फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगा। तो आप टाइम वेस्ट ना कीजिएगा प्लीज, इस इन दोनों को यूटिलाइज करें, आज 2-3 दिन है संडे तक, कोशिश करें पिछला कवर हो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।